नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, विवाहिता की गला दबाकर हत्या, मां की तहरीर पर पति समेत तीन पर केस। जनपद बहराइच के बोझिया गांव निवासी एक विवाहिता की शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोझिया निवासी जीतू देवी 25 वर्षीय विनोद कुमार की शनिवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी जानकारी मायके लखीमपुर खीरी जिले के खमहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम समदहा में दी गई। मायके से महिला की मां छम्मी देवी और भाई पहुंचा। सभी ने देखा कि शव जमीन पर पड़ा हुआ है, गला दबाने के निशान है। इस पर सभी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक अमितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला की मां की तहरीर पर पति, सास और ससुर के विरुद्ध केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ये मृतका कौन है? आपकी बहन है। क्या नाम है इसका? जीतू। उम्र क्या है इसकी? वही हो। साफ बढ़िया बहुत। कैसे हुई है मौत? ये मौत हुई है मारने से। मौत कितने मारा है? उसके सास ससुर और उसका आदमी। काय के लिए मारे होंगे? दहेज के लिए। क्या मांगते थे दहेज में? गाड़ी मांगते थे। कितने दिन पहले शादी किया था? 6 साल हो गए। अच्छा, दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते थे। हाँ। कहाँ पे शादी किया था? बुझिया। थाना कौन सा है? खमरिया। नहीं नहीं, मूर्तिया मूर्तिया। थाना कौन सा है? मूर्तिया। अच्छा, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।